अपने आप को छात्रों, पिछले लेक्चर में साइन 2a से 2 साइन इनवर्स x, cos 2a से 2 cos इनवर्स x और tan 2a से 2 tan इनवर्स x के मान ज्ञात किए थे। 2 tan इनवर्स x का मान साइन के रूप में भी ज्ञात किया था, 2 tan इनवर्स x का मान cos इनवर्स के रूप में और 2 tan इनवर्स x का मान tan इनवर्स के रूप में ज्ञात किया था। अब आज देखेंगे उसी के आगे क्रम का है कि इसमें हम देखें tan 3a का एक सूत्र होता है, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan cube a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a 3 tan स्क्वायर। ये फार्मूला था, इसके आधार पर 3 tan इनवर्स x का मान ज्ञात करना। तो 3 tan इनवर्स x का मान पता नहीं है तो मान लेंगे कि इसका मान ये ज्ञात करना है कि मान या कुछ भी क्वेश्चन मार्क भी मार क्या करेंगे इसका सहारा लेंगे। तो इसमें मानेंगे इसमें इसका मान ज्ञात करना है तो मानेंगे इसका मान होता है tan इनवर्स, चलो प्रूव करेंगे tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे इसमें माना लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर a। अब x बराबर क्या होगा tan इंप्लाइज दैट x बराबर होगा tan a। अब क्या करेंगे इसका सहारा लेंगे तो इसमें देखिए कि जब 3 a बराबर लिखेंगे तो tan इनवर्स यहां आ जाए तो इसको पता लिखेंगे क्योंकि 3 a बराबर tan इनवर्स और यहां लिखेंगे 3 tan x माइनस tan क्यूब x में ये क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिए इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखो a की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो a की वैल्यू tan इनवर्स x है तो यहां लिखेंगे 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा tan इनवर्स को जो होगा तुम लिखेंगे और इसमें देखिए tan a की वैल्यू है x तो यहां पे tan a की जगह x लिखेंगे तो ये आया 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर ये क्यूब हो गया। तो जब अपन सिद्ध कर चुके इस फार्मूले का क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसका सहारा लेंगे। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण फार्मूला है हाई स्कूल में पढ़ चुके tan a प्लस b प्लस c ये बराबर क्या होता है देखिए अभी tan 3a का अगर यहाँ a लिख देंगे यहाँ a लिख देंगे तो tan 3a बन जाए तो इसमें लिखेंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस अब क्या लिखेंगे पहले दूसरे का मल्टीप्लाई फिर दूसरे तीसरे का मल्टीप्लाई फिर पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे tan a प्लस tan b
प्लस टेन सी। अब इसमें तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, टेन ए टेन बी और टेन सी डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे, वन माइनस पहले दूसरे का मल्टीप्लाई टेन ए इंटू टेन बी प्लस, अब दूसरे तीसरे का करेंगे टेन बी इंटू टेन सी और माइनस, इसमें करेंगे प्लस नहीं माइनस, माइनस टेन ए इंटू टेन सी। जी हाई स्कूल में जो फार्मूला टेन ए प्लस बी प्लस सी का पढ़ चुके हैं। अब अपन को इसकी सहायता से tan इनवर्स x महत्वपूर्ण फार्मूला भी सिद्ध करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका फार्मूला सिद्ध करना। जी बराबर होता है tan इनवर्स, इसको सिद्ध करेंगे कि tan इनवर्स कितना होता है। अब tan a की जगह लिख देंगे x, तो ये आ जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस x y z डिवाइडेड बाई, ये होगा वन माइनस x y माइनस के y z और माइनस के z x। ये एक फार्मूला अपन को सिद्ध करना है, प्रतिलोम त्रिकोण में दिखा रहे हैं, इसका सहारा लेंगे। तो इसमें मान लेंगे प्रूफ, इसमें क्या मानेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर a, tan इनवर्स y बराबर b और tan इनवर्स z बराबर c, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू इससे फाइंड कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा tan a, इसमें y बराबर tan b और implies that इसमें z बराबर tan c, ये वैल्यू पर ना ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका सहारा लेंगे। तो इसमें अपन को a प्लस b प्लस c बराबर ज्ञात करेंगे, तो जो tan जब इसके साथ जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स, और यहां पे लिख देंगे पूरा फार्मूला लिख देंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस, तीनों का मल्टीप्लीकेशन tan a tan b tan c और डिवाइडेड बाय माइनस tan a इनटू tan b प्लस वो माइनस tan b इनटू tan c और माइनस tan a इनटू tan c, tan a इनटू tan c अब जी सारी वैल्यू इसकी सहायता से इसमें पुट अप कर देंगे। तो देखिए a बराबर है tan इनवर्स x, तो इसकी जगह लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस b की जगह लिख देंगे tan इनवर्स y, तो
बी की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स वाई प्लस सी की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स जेड, टेन इनवर्स जेड जी बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स, इसमें वैल्यू रखेंगे जी तो देखिए ए की जगह टेन ए की जगह रख देंगे एक्स कुछ एक्स इसी प्रकार से यहाँ वाई जेड फिर माइनस एक्स वाई जेड फिर अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस वो माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, तो ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो ये फार्मूला बन गया, इसकी सहायता से क्वेश्चन को हल करेंगे, मुझे नोट कर लेना। इसके बाद आप इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का जो फार्मूला सिद्ध किए इनकी सहायता से क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और हैं जिनका प्रयोग इसमें होगा वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हो साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान रखना यहाँ अगर साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता लगाना है, इसकी वैल्यू होती है जी एक इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स में है, तो इनको जी मान के चलेंगे जी दोनों हट जाएंगे एक्स इसकी वैल्यू है, यहाँ थीटा लिखा हो तो थीटा आ जाए, यानी यहाँ पे के लिखा हो तो के आ जाए, इसी प्रकार से अगर ऐसा लिखा हो साइन साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिखा हो तो भी इसका मान एक्स होगा, इसी प्रकार से कॉस में भी होगा, तो कॉस में क्या होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स इसकी वैल्यू भी एक्स होगी, यहाँ थीटा लिखा हो तो कोण त्रिकोण है थीटा का, इसी प्रकार से tan इनवर्स tan x बराबर भी x होगा, तो ध्यान रखेंगे इसी प्रकार से sec इनवर्स sec x बराबर भी x, तो इन फार्मूलों का विशेष महत्व है और इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रयोग है क्वेश्चन में, जैसे अभी क्वेश्चन हल करेंगे तो देखेंगे इनका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए एनसीईआरटी सिलेबस के कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को हल करें। सबसे पहले अपन को हमने मुख्य मान निकालना बताया था, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, अब जे इसका जो ये परिभाषित किसमें होगा इसकी ये एक कोण होगा, इसको कोण को मान लिया वाई, तो ये जो वाई की वैल्यू होगी ना ये कितनी होगी, ये कोण होगा माइनस यानी वाई is less y is greater than or equal to minus pi by 2, यानी जी जो कोण होगा y ये pi by 2 से minus pi by 2 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी होगा और इससे छोटा भी हो सकता pi by 2 से और इसके बराबर भी, तो इसका क्या मतलब हुआ एक एक इंटरवल आया अंतराल minus pi by 2 से और पाई बाई टू दोनों तरफ बड़े पुस्तक लगेंगे, ये कितना बल आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाई है ये इसी के बीच में होगा, ना तो इसके माइनस पाई बाई टू से इसकी वैल्यू कम हो सकती ना पाई बाई टू से ज्यादा हो सकती, तो ये इसी के बीच में जो कोण होगा वो इस साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होगा, इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का होता है जीरो से पाई के बीच में, अब जी हम पहले बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर जो पहले पढ़े थे मार्च अप्रैल में जो पढ़ चुके हैं मई में भी पढ़े थे तो ये सारे हमने उसमें बता दिए हैं तो उनको देखेंगे, तो ये पहले पढ़ चुके, अब देखिए क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे जैसे हम इसमें लिखे साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन थ्री का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, या इसको ऐसा भी कह सकते हल कीजिए, तो इसको हल करेंगे तो हल कीजिए या का मुख्य मान
क्या करो। एनसीईआरटी से एक बुक का क्वेश्चन है और प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.2 का है। देखिए इसमें तुम्हें पता है जी जो है जी पूरा एक कोण है, ये एक्स की वैल्यू उसमें इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच ही होगी। क्या दिया इसमें पहले वो फार्मूला लगाया कौन सा साइन इनवर्स, इसको देखो दो प्रकार से करेंगे। इसमें अगर वो फार्मूला लगाया साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स के हो, इसकी वैल्यू कितनी आई 2π/3। अब फिर 2π/3 देखिए कितना है, 2π/3 कितना कोण हुआ, ये π/2 से क्या होगा, देखो ये 2π/3 यानी π/3 60 और ये हुआ तो 120 हो गया, तो ये 2π/3 का एंगल हुआ जी 120 हुआ, अर्थात ये माइनस ये प्लस π/2 से ज्यादा है तो ये इसकी वैल्यू मान नहीं होगी, अर्थात ये क्वेश्चन इसका इसका मान जो 2π/3 है वो गलत होगा। तो सही क्या है, ये गलत तरीका क्या है इसका, इसके दो तरीके हल करने, जैसे एक तरीके से कोई स्टूडेंट ऐसा कर देता है साइन 2π/3 इसमें ये क्वेश्चन जो सूत्र का इंप्लीमेंट करता है तो 2π/3 इसकी वैल्यू आ गई, ये गलत, क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू 2π/3 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है या मुख्य मान शाखा है वो कौन सा इंटरवल है इसका -π/2 से +π/2 के बीच ही होना चाहिए, ना तो इससे कम हो सकता ना इससे ज्यादा हो सकता, अब तो ये π/2 से ज्यादा हो गया अर्थात ये इसका मान नहीं होगा। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका है इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 90 से ज्यादा हो नहीं सकती तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अब इसमें क्या लिखेंगे साइन π-थीटा, इसमें क्या लिखेंगे साइन π-2π/3। अब 2π/3 की जगह क्या लिख देंगे π/3, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो देखो इसको हल करेंगे तो 3π में से π घट जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा, आज बन में नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा था साइन 180 या π-θ बराबर कितना होता है, इसी से तो फार्मूला है द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है तो जिसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा। इस फार्मूले का इसमें प्रयोग करेंगे तो जे बराबर आ जाएगा कितना साइन इनवर्स साइन π/3। अब क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें जे वाला फार्मूला लगा देंगे कौन सा साइन इनवर्स साइन थीटा या साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स की, याद रखना ये कितनी इसकी वैल्यू आ गई π/3, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हुआ इसका जो मुख्य मान होगा वो π/3 होगा या इसका जो सॉल्यूशन होगा वो π/3 होगा ना कि 2π/3। अगर ये इसमें इसको ऐसा यहाँ कर सकते थे कि ये वैल्यू 2π/3 ये किससे ज्यादा आ गई, ये 90 से ज्यादा आ गई, अर्थात इसको किसने कितने में से घटा देंगे पाई में से इसको घटा देंगे π-2π/3 तो ये इसके मुख्य मान आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना अगर ऐसे क्वेश्चन हल करके आ गए और तुमने लिख दिया कि इसकी जो वैल्यू आई ये 2π/3 है इसका मुख्य मान, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके रेंज का बड़ा महत्व होता है, ये रेंज है और ये सही तरीका है इसका उत्तर π/3 है, ध्यान रखना। तो इसमें कभी कभी यही कंफ्यूजन कर देते हैं कि उसके रेंज के बाहर जो उसके रेंज में रेंज के अंदर जो कोण नहीं होता है वो आंसर के रूप में लिख लेते हैं और कुछ
कोई नंबर नहीं मिलता, कंपटीशन में सवाल गलत हो जाते। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन अपन को, ये क्वेश्चन तुम लोगों को घर का हल करना है, cos inverse cos 7 pi by 6। इसमें देखिए cos भी इसी प्रकार से, अब cos का हमने वो ग्राफ जब पढ़ाए थे तो cos इसका जो मुझे मान लिया ये कोण है कितना है, अपन ने इसको k मान लिया या y मान लिया, तो y की वैल्यू क्या होगी? पहले cos इनवर्स की रेंज देखते हैं, पहले भी बता चुके हैं cos इनवर्स x, इसकी रेंज होती है देखो इसमें 0 से पाई के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि cos x का जो cos x का डोमेन होता है वो होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, यानी सभी वास्तविक संख्याओं को समुच्चय cos का, cos x। और इसका जो रेंज होता है, रेंज है वो कितनी है? इसकी रेंज है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो देखो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो देखो इसमें अब इसकी जो इसकी रेंज है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। देखो cos पाई का मान, cos पाई बाय 2 का मान 0, इसका मान 0 होगा, तो cos की जो रेंज होगी अब इसकी उल्टी हो जाएगी, तो इसकी रेंज क्या हो गई? क्योंकि cos x का मान, cos x का मान कितना होता है? -1 से +1, यानी जो इसकी रेंज होती है, रेंज -5/2 जो इसकी रेंज है। अब इसमें ये वैल्यू पुट अप करेंगे जब x की वैल्यू -1, तो cos कितना आ जाएगा? pi, cos pi, यानी cos इनवर्स -1 -1 इक्वल टू कितना होगा? पाई। और जब ये 1 रखेंगे cos इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी cos 0 का मान 1। तो ये ध्यान रखना, अब बढ़ते हुए क्रम में लगेंगे तो 0 पहले लगेंगे और पाई बाद में, अर्थात इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच होगी। अब ध्यान रखना कि जो cos इसका जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच होना चाहिए? वो मान 0 से पाई के बीच में। अब देखो हल कैसे करेंगे, इसमें वो फार्मूला लगाएंगे cos इनवर्स cos थीटा, तो इसमें पाई की वैल्यू तुम लिख सकते 7π/6, और तुम लिख करके आ गए कि इसका जो मान आएगा वो 7π/6 होगा। ये क्वेश्चन गलत होगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि इस cos इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच ही होती है, और ये कोण जो है पाई से ज्यादा है, 180 अंश से ज्यादा है। जब ये 180 अंश से कोई कोण ज्यादा हो तो उसको 2π से रखेंगे, क्या करेंगे इसको, जे इसका अंतर गलत, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसको सही तरीका क्या है? ये गलत है, ऐसा ये नहीं करें, ये गलत हो जाए। तो इसमें लिखेंगे π = cos inverse cos 7π/6, अर्थात इसमें लिखेंगे cos inverse। अब क्योंकि जे cos की वैल्यू जे जो कोण होगा जे 0 से पाई के बीच होना चाहिए, तो ये कितना आएगा? cos 2π - π/6 देखिए 12 में से 5 चले गए, 7 आ गए, तो ये 7π/6 आया। अब देखो करेंगे क्या, कि अब इसमें तुमको पता है, स्कूल में पढ़ चुके cos 360 - θ बराबर चतुर्थांश में होगा, पॉजिटिव आएगा इसका मान, तो ये आएगा cos थीटा, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा? cos इनवर्स, और ये कितना आएगा? cos
अर्थात जे इसका आंसर गलत है, सही नहीं, तो जे 7π/6 इसका मुक्त मान नहीं होगा। इसमें देखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें π/6 belongs to 0 to π, बड़ा पुस्तक लगेगा, दोनों सीमा समझे। इसका मतलब हुआ कि जे इसकी रेंज में है, अब रेंज में है तो ये इसकी मुख्य मान शाखा में है, इसका मतलब है तो जो मुख्य मान शाखा में जो मान होता है प्रतिलोम त्रिकोण में उस कोण को वो उसका मुख्य मान कहते हैं। तो इसका 7π/6 इसका मुख्य मान हुआ, ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कंपटीशन में तुम ऐसे लगा के चले जाए तो इसको मान लो तुमको 0 नंबर मिलेगा इसमें। और ये सही तरीका इसका ये है, यहाँ जाओ 7π/6 फार्मूला लगा करके ये देख लो कि ये इसकी रेंज में है कि नहीं है। अगर रेंज अगर पाई से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, तो पाई से घटा देंगे, और अगर 90 से ज्यादा है तो पाई से घटा देंगे, ध्यान रखो। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी एनसीईआरटी किताब में जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 और मिसलेनियस जो है उसके क्वेश्चन हल करना, और जो न बने वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। जैसे अब देखिए, एक अभी हमने सूत्र बताया tan इनवर्स a, जैसे देख लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x plus y बटे 1 minus x। सिद्ध करना हो तो इसको tan x को ये मान लेना, tan inverse y को भी मान लेना, tan a plus b वाला सूत्र लगा करके इसको सॉल्व कर सकते। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, tan ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2, इतना इसको करना है। ट्रिग्नोमेट्री में जब कोई क्वेश्चन प्रूफ सिद्ध किया जाता है तो उसमें दो साइड होती है, ये बराबर की इस तरफ की लेफ्ट हैंड साइड और ये उस तरफ की राइट हैंड साइड। तो इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के इसको सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, या राइट हैंड साइड को लें और उसको सॉल्व करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ऐसे करने में कोई परेशानी हो तो लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लो और राइट हैंड साइड को हल कर लो, और दोनों साइडों के सॉल्यूशन या हल बराबर आना चाहिए तो ही क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिया आपने, देखो तुमको लेफ्ट उसी साइड को हल करना है जिस साइड में फार्मूला वगैरह लग सके और आसानी से तुमको समझ में आ रहा हो कि कौन सी साइड लेना है उसको लेंगे। इसमें क्या किया अपन ने, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब इसमें तुमको क्या समझ में आया, इसमें देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लग सकता है, जे है x का मान और जे है y का मान। इसमें ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 लिखा हो या 3 लिखा हो
तो जे वाला फार्मूला अभी नहीं लगा सकते, तब लगाएंगे जब 2 tan इनवर्स x को 10 के रूप में बदल लेंगे, यहां से 2 हटाना पड़ेगा, इसमें तो था नहीं, अगर होता तो इसमें डायरेक्ट नहीं लगता ये फार्मूला, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें पहले जे वाला फार्मूला लगा देंगे तो जो कितना आया इसको ले सकते tan इनवर्स, अब x की वैल्यू है 2 अपॉन 11, तो इसमें क्या लिखेंगे 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 अपॉन 11 इनटू 7 अपॉन 24, इस प्रकार से हल कर ले। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो क्या आएगा tan इनवर्स और ये आया 48 प्लस 77 अपॉन 11 इनटू 24 ऐसा कर लिया अभी और बटे ये कितना आया इसमें 11 इनटू 24 पहले 24 को 11 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 4 आया 11 44 4 आए 11 22 4 264 आया है चाहो तो यहां 264 लिख दो नहीं तो ऐसा ही होगा यहां पे क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन आया 264 264 आया इसमें से 14 ले गया तो इसमें 14 ले भैया मुझे कितना बचा 250 तो यहां पे 250 अपॉन कितना आएगा 11 इनटू 24 समझ में आया कि नहीं ये 11 इनटू 24 दोनों डिनोमिनेटर में है दोनों कट गए तो कैंसिल हो गए बराबर क्या आया tan इनवर्स इसको ऐड कर लेंगे तो 8 7 15 और 7 4 11 12 125 बटे 250 अब इसको कैंसिल कर लिया 1/2 बार तो देखिए इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2 तो अपन ने कौन सी साइड ली थी लेफ्ट हैंड साइड ली थी उसको सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई यहाँ लिख देंगे आर एच एस यानी फिर तुमको क्या क्या हो गया इसमें तुमको ये निष्कर्ष निकला कि एल एच एस बराबर है आर एच एस और लिखेंगे क्यूब तुझे क्वेश्चन सिद्ध हो गया तुझे क्वेश्चन 2012 में आया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना वैसे क्वेश्चन बोल रहे तो ये सिद्ध हो गया इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए सपोज दैट द tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स d इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि चार का तो पढ़ा ही नहीं है उसको दो में डिवाइड कर लेंगे या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c फार्मूला पता है तो 3 को लेकर के कुछ चौथे में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का लगा देंगे जैसे एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है इसका आंसर देखो कैसे लाएंगे इसमें तुमको जे इसमें पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो चलो लेफ्ट हैंड साइड एंड एच एस अब देखो इसको नहीं ले लेंगे कि π/4 ले लो इसमें तुमने ले लिया राइट हैंड साइड फिर इसमें आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे बड़ी दिक्कत पड़ेगी
ध्यान रखना, इसमें अपन क्या करेंगे तो जिस साइड को लेकर के आसानी से क्वेश्चन को हल किया जाए उसी साइड को हल करेंगे। टेन इनवर्स अब चाहे तो इनको इनको इस दो को दो दो गोलों के लिए ऐसा ऐसा करना, इसमें लगा दें टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी और इसमें टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लगा दें, ऐसा भी कर सकते और ऐसा भी कर सकते। इसमें तीन को ले लें, इनको किनको दोनों प्रकार से कर सकते, दोनों प्रकार सही होंगे। इसमें ए बी सी इनको ले और उसको बाद में ले लें, तो हमने ऐसे ही कर रहे हैं। इसको तीन को लिया है, इसमें लगा सकते फार्मूला कौन सा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर क्या होता है मालूम है, ये होता है टेन इनवर्स, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू या ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो इसको लिखेंगे ये तीनों को अलग अलग, टेन इनवर्स क्या लिखेंगे एक बटे पांच, ऐसा कर दूंगे एक बटे पांच प्लस एक बटे सात प्लस एक बटे तीन, ठीक है। और फिर माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक बटे कितना आया पांच बड़े सात बड़े तीन, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे बटे में वन माइनस, पहले दूसरे का गुणा करेंगे तो एक बटे कितना आ जाएगा 35, फिर माइनस एक बटे इसका इसका गुणा करेंगे तो क्या आया 21, फिर माइनस एक बटे किसका करेंगे 5 का और 3 का तो 15 आ रहा है। इसको सॉल्व ये क्वेश्चन क्या होगा कि 10 नंबर सीजों का था कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब देखो सॉल्व कैसे होगा, जब पहले कक्षा में कर चुके छोटी कक्षा में, इसका एलसीएम कितना आएगा 5 7 35 105 आ गया, कुछ आया इसमें लिखेंगे 21 प्लस इसका पहले जिसमें आया 21 प्लस ये आया 3 प्लस ये आया 13 माइनस, इसका जब करेंगे तो ये भी बन जीरो फाइव आया कि नहीं, और बटे इसको हल करेंगे तो देखो इसका जो एलसीएम आया 35 21 और 15 इस तीनों का क्या कर देंगे मल्टी करो वाला कर देंगे, तो ये आया 35 अब इसमें 21 का गुणा होगा करना, 21 का करेंगे तो 5 2 5 और इसका करेंगे 5 2 10 5 5 0 11 0 25 आ जाएगा, ये
यहाँ पर लिख देंगे। अब 11025 में क्या करेंगे, तो माइनस में आएगा, एक 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 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो 11025 में से कितना घट जाएगा, एक घट जाएगा, ये आया 11024 डिवाइड बाय कितना लिख दो, जैसा कि लिख सकते हैं उसका 20 गुणा 21 जी इतना आया। अब देखिए इसको हल करेंगे और जितने नंबर्स 1/8 जो का तुम लोग प्लस 10 नंबर्स 1/8 अब देख इसमें इनको जब जोड़ेंगे तो 50 और 20 70 71 है 5 11 इसमें ये घट गया ये 70 बचा और ये बचा यहाँ से हल करेंगे इसको ध्यान रखना 10 इनवर्स 70 अपॉन 105 अच्छा अपॉन। अब इसको जब करेंगे तो देखो ये आया 35 जो का तो उनको उल्टा कर देंगे 21 15 अपॉन 11024 इतना आ जाए और प्लस 10 इनवर्स 1/8 जो का तो आया। अब इसको काट सकते हैं तीन बार जी कट गया और टी पांच है 15 ध्यान रखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे और जे भी काट सकते तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो जे बार आप देखो कितने बार कट सकता है 7 से काटेंगे तो कट सकता है कि नहीं नहीं कर तो दो से डिवाइड कर दो 5 से 7 से 7 4 बचे 28 और 110 7 से अगर करें तो 7 4 बचे 7 8 बचे 49 से सीधा सीधा लिख सकते थे 35 गुणा 21 गुणा 15 तो
तरफ एक्सप्रेशन करने के लिए कितना आया, तीन से घटा लिया तो पांच बन गया, इसमें से पांच आया। फाइव फाइव वन तीन के पहाड़ से भी कर सकते हैं। चलो प्लस टेन एंड वर्स कितना देते हैं, टेन एंड वर्स वन अपॉन। अब इसको 10 नंबर से प्लस 10 नंबर से बी वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, इसको और सॉल्व करें तो 105 से जो कटता है तो ये कितना हो जाएगा 36 कट सकता है, 3 2 बचे 24 3 का 9 3 का 3 2 बचे 24 बचे और अब इसमें लगा देंगे टेन नंबर से प्लस टेन नंबर से बी बराबर, टेन नंबर से प्लस टेन नंबर से बी बराबर कितना आया, इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई अर्थात ये आया 35 × 105 बटे 5512 चीजों का देंगे प्लस 1/8 और डिवाइडेड बाई 1 - इन दोनों का गुणा करेंगे तो 33 × 105 × 1/5512 × 8 जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 1 बराबर बराबर आएगा। देखो 5512 जी आया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जी बिल्कुल जी आ जाएगा 10 इनवर्स, सॉल्व कर लेना 10 इनवर्स 1 आया और 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/4 अर्थात इसे मिल जाएगा। देखो 5512 × 8 इसमें पहले से आया तो दोनों कट जाएंगे और इसमें से इसका गुणा करेंगे तो ये लगभग इसी के बराबर आ जाएगा। देखो इसमें 135 × 1 इसका इसका गुणा करेंगे जो घटा देंगे, इसमें क्या करना है कि इसमें 135 जो इतना आया और इसमें 8 का गुणा करेंगे जो इसका इसका गुणा करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो जो 10 नंबर 5/4 आ जाएगा। इस प्रकार से जिस भी क्वेश्चन बड़ा था इसलिए तुम लोग घर पे इसको सॉल्व कर लेना तो ये 5/4 उसका आंसर आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे, देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते, इसका दूसरा तरीका है कि इनको दो दो को ले लें, अभी अपन ने एक एक को लिया था दो दो के लिए तो ये करते थे अच्छा तो जे इसको यहाँ ना लो इनमें दो दो को ले इसको तो देखो 10 इनवर्स ये आया 1/5 प्लस 1/7 / 1 - 1/35 थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। इसको करेंगे मुझे कितना आया 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 / 1 - 1/20 जितना आया। अब इसको सॉल्व किया मुझे 10 इनवर्स नहीं मुझे आया 10 इनवर्स 7/5 12 बटे 35 इंटू जी कितना आया 35 में से चला गया तो जी आया 35/34 इसको इतना सॉल्व करेंगे प्लस
जी कितना आया 10 इनवर्स, जी आया 8 11 अपॉन 24 और इसको जब हल करेंगे 24 में से चला गया तो जी आया 24 अपॉन 23 समझ आ रहा कि नहीं। इसमें देखिए 35 से 35 24 से 24 और ये उसे कर दिया और 70 और यहाँ पे करता नहीं है जी आया 10 एंड वर्क 6 अपॉन 70 प्लस 10 एंड वर्क 11 अपॉन 23 समझ आया कि नहीं। इसमें फार्मूला लगा दिया 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी, फिर लगा दिया यही फार्मूला तो कितना आएगा 10 इनवर्स इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 अपॉन 17 into 11 upon 23 इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो जी कितना आया 6 12 13 6 6 13 और इसका प्लस 7 और 11 इतना 11 11 11 18 और बटे 17 गुणे 23 और बटी इसको जब हल करेंगे 17 × 23 करना पड़ेगा 17 × 3 = 5 17 × 24 = 5 = 3 391 में से 66 चलेगा कितना बचा 6 × 5 = 11 7 को बचे 2 और 325 बचे तो ये 325 बटे 17 × 23 325 बटे 17 × 23 से भी कट जाएंगे जी 12 आया 8 × 7 = 15 और 8 × 3 = 11 = 12 और ये कोई कोई तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो जी आया 10 इनवर्स 325 बटे 17 × 23 और इसमें हम बटे में ले आए 325 बटे 17 × 23 ये सब कट गए बनाया अर्थात 10 इनवर्स 1 ये वैल्यू आ गई 5/4 तो ये क्या हो गया ये आ गई राइट हैंड साइड और इसको लिख देंगे LHS बराबर RHS रूट। तो इसको ऐसे लगाएंगे तो ज्यादा जल्दी कर जाएगा कैलकुलेशन भी सरल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसी आधार पर शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे और अगर कोई दिक्कत पड़ेगी तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। और सभी छात्र इस कक्षा ऑनलाइन कक्षा से जुड़े अपने अपने मित्रों से कह रहे हैं कि जरूर जरूर जुड़ेंगे क्योंकि ये इस वर्ष आप लोगों की उपस्थिति इसी ऑनलाइन कक्षा शिक्षण के माध्यम से जितने छात्र जुड़ेंगे वही उपस्थित माने जाएंगे उन्हीं की अनुपस्थिति मानी जाएगी और अनुपस्थित रहे अगर तो वजीफा में भी मिलने में दिक्कत पड़ेगी। ध्यान रखना तुम लोगों को इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से जुड़ना यही आप लोगों की उपस्थिति है। धन्यवाद। अभी आगे जो है अगला पाठ पढ़ेंगे फलन समाप्त हुआ और सभी लोग इसका क्वेश्चनों को हल करेंगे कोई देखता तो पूछ लेना। धन्यवाद।